ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है और ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, दोनों ही कंपाउंड है। देखो ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। इसमें क्या है, ये इन्वर्टेड है। कंपाउंड में कौन सा माइक्रोस्कोप है, इन्वर्टेड है। और ये बायोनोकुलर भी है, ठीक है। इसमें क्या दो आईपीस लगे हुए हैं, इसमें भी आपके दो आईपीस लगे हुए हैं, लेकिन इसमें एक ही आईपीस लगा हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया, मोनोकुलर हो गया, ये बायोनोकुलर हो गए दोनों, ठीक है। इसमें क्या लाइट सोर्स, सनलाइट है, केवल और केवल सनलाइट, जो कि नीचे से प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। और इन दोनों में लाइट सोर्स क्या है, कंपाउंड है। इसमें लाइट सोर्स इलेक्ट्रिसिटी द्वारा लाइट आ रही है। इसमें भी थोड़ा सा फंडा है, देखो लाइट नीचे से प्रोवाइड हो रही है इस वाले में, और इस वाले में भी लाइट नीचे से प्रोवाइड हो रही है सिंपल में, और कंपाउंड में बाइनोकुलर में नीचे से लाइट प्रोवाइड हो रही है, लेकिन इन्वर्टेड में, इन्वर्टेड में उल्टा हो जाता है। अगर लाइट सोर्स ऊपर से आ रहा है स्टेज के ऊपर से, तो वो इन्वर्टेड हो जाता है, ठीक है। और आपका आई थिंक सो पूरा का पूरा ही सेम होता है, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, बस ये क्या है कि सेल कल्चर करने के लिए, ठीक है। और ये वाला माइक्रोस्कोप किसके लिए, स्टेनिंग हो गई, डीएलसी टीएलसी, ये भी सिंपल नॉर्मली ये होता है, ये तो सब में ही यूज हो जाता है, मेनली क्या है डीएलसी टीएलसी इनके लिए सिंपल हो जाता है। और बस यही फंडा सा है, सीधा सा फंडा यही है, ये थोड़ा सा कम एडवांस है, स्टार्टिंग का यही होता है, थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस है, और ये उससे भी ज़्यादा एडवांस है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और हो सके तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। और देखो ये हमारे गुरु जी, मैं इनको बाबा कहता हूँ, सब कुछ यही है, मेरी बहुत हेल्प करते हैं, मेरे एक्सपेरिमेंट पे जाने से पहले मुझे सारा कुछ खुद ही बताते हैं, इस तरीके से करो, पूरा इनसे पूछ के पूरा ज्ञान लेके तब मैं आपको बताता हूँ, प्लीज़ इनके वजह से हो ना हो तो हो ही नहीं पाएगा एक्सपेरिमेंट प्लीज़। तो बच्चों आपको इनका वीडियो जो है सब्सक्राइब करना है, और इनको आगे के मुकाम हासिल कराना है, आपके मैं यही उम्मीद करता हूँ। वेरी वेरी थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस।